खाली रखी। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। दशमेश पिता साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का जिहड़ा प्रकाश दिहाड़ा वा, श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों संगतां दे सहयोग नाल बहुत वड्डे पद्धर ते मनाया जा रहा। इस ही संबंध में श्री अकाल तख्त साहब तो जिहड़ा अज नगर कीर्तन आरंभ किया गया। मौसम की खराबी होने के कारण जिहड़ा नगर कीर्तन आ परिक्रमा के विच ही सच्चे पात मतलब गुरु की कृपा नाल संगतां नूं दर्शन करा के इहदी जिहड़ी संपूर्णता श्री अकाल तख्त साहब विखे होवेगी। बेशक मौसम की खराबी आ चाहे जिन्ने भी, पर संगतां च बड़ा उत्साह वा इस नगर कीर्तन शामिल होने लई। मैं अज दे इस शुभ अवसर ते समूह गुरु नानक नाम वाले सत संगतां नूं लख लख वधाई। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे पावन प्रकाश गुरपुरब मनाउण वास्ते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री दरबार साहब जी वालों नगर कीर्तन की प्रारंभता की गई है, जो परिक्रमा विचों हुंदा होया श्री अकाल तख्त साहब जी विखे जाके संपूर्ण होवेगा। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने जिते खालसे की साजना की, अपना सारा सरबंस कुरबान किया, हिंदुस्तान नूं आजाद कराया, इन्हां सतगुरां दे प्रकाश गुरपुरब दीआं समूह सिख संगतां नूं बहुत बहुत वधाइयां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।